हम आजाद तो 1947 में हुए, लेकिन इस आजादी का मतलब हमारे संविधान ने बताया। तिरंगा लहराते वक्त कभी सोचा है? इतने धर्म, भाषाएं और रहन सहन होते हुए भी हम दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र कैसे बने? जब आरती और अजान एक पड़ोस में हर सुबह सुनाई देते हैं, तब समझ आता है ये संविधान हर समुदाय को समान देखता है, ये आगे बढ़ने का मौका सबको देता है, गांव के नाव चलाने वाले के बेटे को भी। जब अपनी आवाज अपनी भाषा में ढालकर महाश्वेता देवी जैसा कोई आदिवासी समाज के लिए लड़ता है, यही इसकी जीत है। जब पुरानी सोच बदलना हो, तब पता चलता है कि ये संविधान अटूट है पर अटल नहीं। इससे बड़ी बात क्या है कि हर प्रांत, हर जाति से सभी ने साथ मिलकर इसकी नींव बांधी और एक पिछड़े समुदाय से किसी ने इसको आकार दिया। हमें ये रोज दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे हक, हमारी आजादी खाने में नमक की तरह हैं। अगर ना हो तो वो समझता है। चलो इस गणतंत्र दिवस अपने संविधान को हक से मनाएं, नमक के वास्ते।